हरियाणा पुलिस होमगार्ड भर्ती की बिग ब्रेकिंग न्यूज है। हरियाणा पुलिस होमगार्ड भर्ती को लेकर अनिल विज का बड़ा बयान है। दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल योगी स्मार्ट में। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल योगी स्मार्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबा लें ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है योगी स्मार्ट। दोस्तों अगर आप HSC CET के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े। सभी सब्जेक्ट के हैंडराइटिंग के नोट्स हमने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा रखे हैं जो कि बिल्कुल फ्री में आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों देख सकते हैं होमगार्ड डिजिटल भर्ती की तैनाती पोर्टल पर होगी बायोमेट्रिक लगेगी हाजिरी, यानी कि अब कर्मचारियों की भर्ती में भाई भतीजा पर रोक लगेगी और DGP के भी यहाँ पर मौजूद थे इस समय। और एक पोर्टल हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के द्वारा जारी किया गया है, इस पोर्टल के आधार पर ही आपकी नई भर्तियाँ होंगी, यानी कि जल्द ही आपकी नई भर्तियाँ भी आ सकेंगी। दोस्तों ये देख सकते हैं अब नहीं चलेगी मनमानी, यानी कि पहले क्या होता था अपने रिश्तेदारों को यहाँ पर होमगार्ड में भर्ती करवा देते थे, लेकिन अब इसका जो पूरा डाटा है जिस प्रकार से आपकी हरियाणा पुलिस मेल कॉन्स्टेबल फीमेल कॉन्स्टेबल की भर्ती होती है उसी के आधार पर आपकी हरियाणा में होमगार्ड के पदों पर भी भर्ती जो है वो करवाई जाएगी। और आखिरकार लंबे समय के बाद इंतज़ार होमगार्ड विभाग में ड्यूटी लगने को लेकर काफ़ी सारे कंप्यूटर होंगे, इसके लिए प्रदेश गृह मंत्री अनिल विज ने पोर्टल को लॉन्च कर दिया है। गृह मंत्री अनिल विज ने इसकी सुनवाई के लिए कई बिंदु पर काम करने के अलावा अफसरों को निर्देश भी दिए कि राजीव अरोड़ा व DGP PK अग्रवाल के सोमवार को DG होमगार्ड देशराज सिंह व अन्य यहां पर मौजूद थे और उस समय इस पोर्टल को लॉन्च कर दिया गया है। दोस्तों जल्द ही आपको होमगार्ड के पदों पर नई भर्ती को जो भर्तियां आपको देखने को मिल सकती हैं और आने वाले समय में बायोमेट्रिक के द्वारा होमगार्ड की जो है हाजिरी वो लगाई जाएगी पूरी पारदर्शिता से। दोस्तों आने वाली जो भर्तियाँ होंगी आपकी होमगार्ड की वो पूरी पारदर्शिता से करवाई जाएंगी और जो पहले से होमगार्ड लगे हुए हैं उनकी जो हाजिरी है वो भी जल्द ही बायोमेट्रिक से शुरू कर दी जाएगी। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।